शिव महापुराण की कथा कहती है, अगस्त ऋषि की कथा। भोजन करने के बाद मुख में थोड़ा पानी जाना जरूरी होता है, कारण हमारे जीवन में कुछ दुनिया के लोग अगर हम पर कुछ प्रहार करने वाले होते हैं, कोई हाय लग जाती है, किसी ने नजर लगा दी होती है, किसी ने टौना कर दिया होता है, कोई दुख आने वाला होता है, और भोजन के बाद हमारे ऊपर अगर काल मंडराने वाला होता है, तो मात्र जल का आचमन से पाप समाप्त हो जाता है। और हम क्यों भोजन ग्रहण करने के बाद जल पीने से ऐसा क्या प्राप्त होता है जिसके बल पर ये सारे तकलीफें मिट जाती है, उसका कारण क्या है? तो कहा भोजन अन्नपूर्णा है और जल मेरे शंकर का स्वरूप है। जब वो भीतर जाता है तो सारे विकारों को समाप्त